स्वामी जी, मेरे को पेट में गैस बनता था और वो काफी दिन से था, पर मैंने सौफ का और अजवाइन का पानी, सौफ और अजवाइन को रात को भिगो के रखते थे और सुबह उसका पानी के साथ उसका सेवन किया तो बहुत ही आराम मिला उससे। छोटी छोटी चीजें हैं ये, लेकिन बड़े जबरदस्त, जैसे गांव की भाषा में टोटके हैं, नुक्से हैं, छोटी छोटी चीजें, उसी से ठीक कर लिया। और दही का सेवन करती थी दोपहर के टाइम पे। हाँ, सुबह दही, दोपहर छाछ, दही छाछ सुबह दोपहर इनका सेवन करना चाहिए। रात को दूध लेना चाहिए, खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए, चबा चबा के खाना खाना चाहिए। छोटी छोटी बातें, अगले बेटे को देना, इन चीजों से ही पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। मेरे को गैस की और कॉन्स्टिपेशन की समस्या थी, वो यहाँ आने के बाद बहुत फर्क पड़ गया मेरा। अब कंटिन्यू करेगी तो परमानेंट। थायराइड में भी टेबलेट नहीं ले रही हूँ मैं, बस उज्जाई मत छोड़ना और कपाल भाती के साथ ये भी कर लेना। बिल्कुल जी स्वामी जी। अगली बहन को देना। ओम स्वामी जी। हम लोगों ने अपने घर पर जो सुबह से लेके शाम तक का जो रूटीन है उसमें काफी हद तक आपके बताए हुए तरीके हमने शुरू किए हैं फॉलो करना। क्या बात। जिसमें योगा से लेके, जैसे मॉर्निंग में योगा करना और जितने आर्टिफिशियल चीजें हैं और टेस्ट एनहांसर, इन सब चीजों को अवॉइड करना, ये सब हमने फॉलो करना शुरू किया है। और मुझे पहले या तो कॉन्स्टिपेशन रहता था या तो फिर इनडाइजेशन इस तरीके से रहता था कि डायरिया टाइप से हो जाता था। तो मैंने योग से काफ़ी हद तक आधा घंटा कपाल भाती और आधा घंटा अनुलोम विलोम रोज करके अपने आप को थोड़ा डाइजेशन इम्प्रूव किया है। और यहाँ आकर अनीमा वगैरह जो लिया है उससे भी मुझे काफ़ी आराम मिला है जी। कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी, आपके श्री चरणों में। गोपाल खेमका, स्टेट कमिश्नर छत्तीसगढ़, स्काउट। अच्छा। हाँ, मैं पत्नी को लेके आया था साथ में, सुमन खेमका। अच्छा। इनको पूरे शरीर में दर्द रहता है बहुत अधिक। हाँ हाँ हाँ। और मुझे बाबा जी 30 साल से कब्ज की शिकायत थी। हाँ। तो अभी 6वां दिन है मेरा, पूरी तरह से गायब हो गया कब्ज। कब्ज कहाँ चला गया पता ही नहीं, अभी छोटी छोटी समस्याएं जिंदगी भर लगी रहती है। 6 किलो, 6 दिन में 6 किलो वेट कम हो गया। 6 दिन में 6 किलो वेट कम कर। जी जी। और 14 साथी लोग आए हैं हम लोग बाबू जी, वहाँ से पूरा ग्रुप आया हुआ है। जी जी। और लगभग 30 लोग आने वाले थे, जगह नहीं मिली इसलिए नहीं आ पाए। उनको दूसरे ग्रुप में करवाएंगे। अब अप्रैल में बोले हैं डॉक्टर साहब ने, तो अप्रैल में 60 लोग आएंगे बाबू जी। पूरा जोरदार कार्यक्रम।